किया और आज अपने बात करने वाले हैं मैथ्स में फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में। सर ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए रेलिवेंट है जिसका किसी लेवल पर मैथ्स है, चाहे आप फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के लेवल पर हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो जिसमें मैथ्स हो या फिर 11-12 में हो। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ 11-12 भी क्यों, आप 8 में हो, 9 में हो, 10 हो, 10 में हो, सर आपके लिए रेलिवेंट है ये वीडियो। आपको मजा भी आने वाला है और साथ में आपका जो वो कैलकुलेटर उठा के जो टाइम वेस्ट होता है वो भी काफी हद तक कम होने वाला है, वो टाइम वेस्टेज भी काफी हद तक कम होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग हर ट्रिक को ध्यान से सुने, वीडियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है तो प्लीज मेक श्योर हर ट्रिक को आप सीखो और प्रैक्टिस करो टू एक्सेल इन इट। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपने लोग ट्रिक करने वाले हैं वो है स्क्वायर कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट भी है बाय द वे। हाँ, पहले अपने लोग स्क्वायर कैलकुलेशन ट्रिक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं सर? स्क्वायर कैलकुलेशन ट्रिक्स। ओके ठीक है सर। तो सर सबसे पहले आप बताओ करना क्या है। देखो यहां पर ना आप सबसे पहले ये देख लो कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वो 5 से एंड हो रहा है या किसी और नंबर से एंड हो रहा है। ट्रिक्स दोनों के लिए है। सबसे पहले ये देख लो कि जो नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है क्या वो 5 से एंड हो रहा है, एंडिंग विथ 5 या फिर नॉट एंडिंग विथ 5। बात ऐसा है सर कि मान सबसे पहले अपने वो केस कवर करेंगे जहां पे इट इज एंडिंग विथ 5। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा सो प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ, एंडिंग विथ 5। तो दोस्तों इफ इट एंड्स विथ 5 लेट्स टेक डाउन अ नंबर, लेट्स से 75 स्क्वायर। करेक्ट, आपको करना क्या मालूम है? नहीं सर आप बताइए। जब भी कोई नंबर 5 से खत्म हो रहा है और आपको उसका स्क्वायर निकालना है ना, आप लास्ट में 25 लिख दो। लिख दिया सर, और बताइए अब बस करना क्या है। जैसे यहां पर 7 है, हमेशा तो सर हमेशा 25 लिख दें एंड में। हाँ, अब 7 है, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। 7 × 8 कर दीजिए, कितना होता है 56 लिख दीजिए। ये रहा आपका स्क्वायर निकल आया। ठीक है सर, क्या ये 3 डिजिट 4 डिजिट पर भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा दोस्तों, क्यों काम नहीं करेगा। ये लो एक एग्जाम्पल, लेट से 125 स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा 25 से खत्म करिए। अब 12 है, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? सर 13, 12 × 13 कितना होता है 156 लिख दीजिए, खत्म। जरूरत है कैलकुलेटर का? आप लोग स्पीड देखिए ना एक बार, किस स्पीड से आप लोग कर पा रहे हो इसको, राइट? हाँ सर, लेकिन सर व्हाट इफ द नंबर इज नॉट एंडिंग विथ 5? आइए उसको भी सीखते हैं। नॉट एंडिंग विथ 5, ये बहुत ही सिंपल है सर, ये भी बहुत ही सिंपल है सर, केवल सुनते जाइए। अगर नंबर 5 से एंड नहीं हो रहा है और मैं एक बार 2 डिजिट नंबर ही आप लोग को कवर करवा रहा हूं यहां पर, ठीक है, मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है जो 5 से खत्म नहीं हो रहा है, तो सर हाउ विल वी सॉल्व इट? ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, करना क्या अपने को ध्यान से देखना। ठीक है सर बताइए, मान लीजिए अपने को निकालना है 43 का स्क्वायर, ये तो 5 से खत्म नहीं हो रहा है, करना क्या मालूम है? जो ये नंबर दिख रहा है आपको 3, इसका स्क्वायर लिखिए 9, बस 9 की जगह अपने 09 लिखेंगे। ये नंबर दिख रहा है आपको 4, इसका स्क्वायर क्या है 16 लिख लीजिए, और बस अब करना क्या है 4 × 3 × ये जो 12 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। अब इसको बीच में लिख दीजिए, मतलब एक एक नंबर एंड में छोड़ के, मतलब वंस प्लेस को छोड़कर लिख दीजिए 24, ऐड कर दीजिए, आ गया सर सम हो गया। ओह माय गॉड, हाँ ये इतना ही इजी है। ठीक है, आइए सर थोड़ा सा और बड़ा नंबर लीजिए, ये लो 78 स्क्वायर। सर कैसे करना है? बहुत सिंपल, 8 का स्क्वायर ले लिया आप लोग 64, 7 का स्क्वायर ले लिया आप लोग, कितना होता है 7 का स्क्वायर? बिल्कुल सही 49। बस अब करना क्या आपको, 7 × 8 = 56 एंड 56 × 2 करना अपने लोग को, क्या करना है 7 × 8 = 56 और 56 × 2 करना अपने को, विच इज वॉट 112, राइट? एक जगह छोड़ के 112 लिख लीजिए, आप लोग का आ जाएगा 4 8 10 4 5 6, सम खत्म 6084। सो सर दिस इज हाउ इट्स डन, राइट? ओके दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो था सिर्फ पहला ट्रिक माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने लोग चलते हैं दूसरे ट्रिक पर, मल्टीप्लीकेशन विथ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, हाँ सर बताइए, इसमें अपने लोग को आप क्या सिखा रहे हो? मैं बताता हूं, सुनना आप लोग ध्यान से।
मान लो आप लोगों को कोई बोलता है कि एक काम कर 632 इंटू 999 कर, लेट से। अच्छा यहां पर ये काम काम तभी करेगा जब लार्जेस्ट नंबर हो। लार्जेस्ट नंबर मतलब जैसे 9 सिंगल डिजिट का, 99 डबल डिजिट का, 999 चार डिजिट का, 429 ये तब काम करेगा, ठीक है। बट स्टिल इट इज वेरी इजी। अब आप लोग को कोई बोलेगा, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि इसको मैं 3 सेकंड में कर दूं तो, सर सच्ची? हाँ ये लो देख लो 631, ठीक है। कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। हो गया सम सॉल्व। अरे सर आप याद करके बैठे थे क्या? नहीं मैं याद करके नहीं बैठा था, मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है दोस्तों। ट्रिक ये है कि जब अपने को, ध्यान से सुनना, जब अपने को 632 इंटू 999 करना पड़ा ना, मैंने केवल किया क्या मालूम है, जो नंबर के संग आपको मल्टीप्लाई करना उसमें से 1 माइनस कर दो, कर दिया तो 631 आया। अब ये जो नंबर आया ना इसको 999 से माइनस कर दो, और क्योंकि 999 हाईएस्ट डिजिट है तो उससे माइनस करना भी बहुत ईजी है। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6 और 9 माइनस 1 8, सम खत्म। अरे सर इसका एक और सॉल्व करके दिखाओ। मैं बोला ठीक है ये तो था क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर टू भी देख लो आप। ये लो क्वेश्चन नंबर टू भी देखते हैं अपने लोग। लेट से 9999 इंटू कुछ भी, यार मैं कुछ भी ले रहा हूँ, लेट से 5781। अब करो करके देखते हैं 5780, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 0 गया 9, सम खत्म। सम खत्म दोस्तों, है ना मजेदार? हाँ सर। अब दोस्तों ठीक इसी तरह से अपने एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां हम लोग को मल्टीप्लीकेशन विथ 11 करना है। दिस इज द थर्ड ट्रिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मल्टीप्लीकेशन विथ 11, ठीक है ना। वेन वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11, ठीक है। सो सर हाउ टू गो अबाउट इट, सुनिएगा ट्रिक बहुत ही सिंपल है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है, सुनते जाइए। लेट से अपने लोग को एक नंबर करना है, ये आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कितना के लिए भी कर सकते हो। लेट से 63 इंटू 11, ट्रिक जानना है क्या है? हाँ सर बताइए। जो नंबर है 6 उसको पहले लिख दो, 3 को एंड में लिख दो, बीच में दोनों को ऐड करके लिख दो, 6 प्लस 3 9, और सम खत्म। है सर इतना इजी? हाँ सर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। हम बोला ओके, मान लो अपने को करना है 76 इंटू 11, करना क्या है सुनना ध्यान से। 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 प्लस 6 13 होता है, तो क्या करना है, 3 इधर लिखे और 1 इधर, तो आपका कितना आया 836, सम खत्म। सर अब आप 3 डिजिट का भी करके दिखाओ। मैं बोला ओके करके दिखाते हैं आपको, 324 इंटू 11, कोई भी नंबर लो, मेरे को तो जो रैंडमली स्ट्राइक कर रहा है, I'm writing that. 3 ले लो, 4 ले लो, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, सम खत्म सर, समझ आया। और ये फोर्थ ट्रिक जो है ये सबसे मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हो, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। सर आप स्क्वायर रूट को भी बता सकते हो क्या? हाँ याद रखना, इससे आप लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए वो जो आप लोग बचपन में डिवीजन मेथड सीखे थे आपको वो यूज करना पड़ेगा, बट अपने लोग का एग्जाम में यार अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालना पड़ता है। और हाँ मैं बात कर रहा हूं उन नंबर्स की जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 729 है। अब 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 27 का। तो अगर अब ध्यान से सुनना, अगर 729 का स्क्वायर रूट निकाले तो 27 करेक्ट। मैं ऐसे नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन नंबर्स का जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है, ठीक है। उसमें अपने लोग ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं, तो आइए मैं आपको सिखाता हूं करना कैसे। मान लो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 85 निकालना है। नाउ यू वांट टू नो द ट्रिक? हाँ सर, ट्रिक ये है कि 85 से एक ऐसा नंबर कम नंबर ढूंढो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 81 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर 81? 9 का, 9 लिख लो। अब 85 81 से कितना आगे है? 4 आगे है, 4 लिख लो और डिवाइडेड बाय 9 का डबल लिख दो, हो गया सर स्क्वायर रूट। अब 4/18 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 4/18 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 0.2 होगा, करेक्ट, 0.2 समथिंग होगा, आगे कैलकुलेट कर लेना, बट मान लो 0.2 है, तो 9 आपके पास पहले से है और उसमें 0.2 ऐड कर दो, 9.2, हो गया स्क्वायर रूट। आगे भी जा सकते हो आप, ठीक है सर, बात तो बहुत सही है, सर बात तो बहुत सही है। मैं बोला हाँ पता है पता है। इसी तरह से सर, इसी तरह से सर कोई भी और नंबर है आप उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल, राइट। अब वैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से अपने पास है कोई भी एक नंबर ले लिया मैं 700, ठीक है 700। अब आप लोग एक बात बताना, अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 700 निकालना है तो आप लोग एक बात बताना, कौन सा नंबर ऐसा है
जिसका स्क्वायर 700 के क्लोज है, 25 है क्या? 25 इज 625, लेकिन सर क्या 26 भी है? क्या 26 भी है? मैं बोला चेक कर लो, 26 कितना होता है? 676 होता है क्या? हाँ सर, 26 तो 676 होता है, तो क्लोजेस्ट फिर 25 नहीं हुआ, 26 हुआ, राइट? सर बात तो सही बोलते हो, तो अब आप क्या करो, 26 लिख लो। अब 700 676 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। 700 676 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है, 24 लिख लो, और 26 का डबल कितना होता है? 52 होता है। अब 24 बाय 52 कर लो आप लोग, कितना होता है कर लो आप लोग, जो आएगा दैट इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। समझ आया? तो इस तरह से अपने लोग फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही रिकॉर्डिंग्स अपने लोग और ऐसे बहुत ही ट्रिक्स अपने अपलोड करेंगे। मेक श्योर कि आप लोग हर चीज को कायदे से प्रैक्टिस करो, तब यू विल मास्टर इन इट। ठीक है, चलो बाय बाय।